बड़ा एक बहुत बड़ा सपना देखा है, जो वर्षों वर्ष पार्टियां काम कर रही हैं वो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उनकी सरकार बन रही है, उनका मुख्यमंत्री बन रहा है। और एक मैत्रीसंग गुप्त हैं जो अपराध मुक्त भारत की कल्पना करते करते अब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की भी कल्पना आप कर रहे हैं, क्या ये काल्पनिक ही है, ये धरातल पे उतरेगा? मेरे ख्याल से जब मेरी वार्तालाप समाप्त होगी तब तक आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे कि अब ये बदलाव का समय है। ये बदलाव ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हो रहा है। मैथिली शरण गुप्त कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, इस भ्रम में ना मैथिली शरण गुप्त को रहना चाहिए ना आपको रहना चाहिए। ये बदलाव ईश्वरीय व्यवस्था के तहत आ रहा है। बाबा जय गुरुदेव ये कह के गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और ये कलयुगी जो इंटरवेंशन है सतयुगी, ये 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष के बाद जो है कलयुग फिर से अपने उसी पॉइंट से शुरू होगा। दिस इज ये एक ग्रंथ में नहीं, ये बात कई ग्रंथों में दी गई है। बाबा हमारे जय गुरुदेव ने भी कहा है, ये कबीर पोथी में भी है, ये रहीम पोथी में भी है, ये बात ब्रह्म कुमारी आश्रम के लोगों ने भी कहा है और किसी तरीके से गायत्री परिवार ने भी कहा है। तो यही बात जो है, तो मैं एक माध्यम हो सकता हूं इस युग परिवर्तन का, लेकिन ये युग परिवर्तन है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा अपने देशवासियों से कि ये हम कैसे विद्वान लोग हैं जो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें आजादी नहीं मिली है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है अंग्रेजों से, अंग्रेजों की सत्तों का। और हम उस समय इतने अंधभक्त थे कि हमको ये भी नहीं दिखा कि जब हम इस देश को दो भागों में बांटेंगे तो कत्लेआम होगा। हमारे उस समय सत्ता के मदहोश में बैठे हुए नेताओं के जेहन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि हमें कोई सिक्योरिटी जो है ना होना चाहिए। हमारे जो भारतीय पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे वो सुविधा ढंग से अपनी संपत्ति को जो है ना बेचते हुए आराम से आना चाहिए था। वो कोई अपराधी नहीं थे कि उन्हें मर कट के जो है ना लाशों के बीच में आना पड़ा। ये शुद्ध रूप से जो है ना हमारे उस समय के राजनेताओं की दुष्टता है। लेकिन आज एक सेकंड, अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब इसके बाद देखिए इन्होंने कौन से नियम कानून अडॉप्ट किए जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत थे। हमारा संविधान क्या कह रहा है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। ये कहता है फंडामेंटल राइट है आपका। फिर वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे अडॉप्ट हुआ, इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मंडल कमीशन कैसे आया, इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। हम विद्वान कितने अच्छे लोग हैं, कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन होता है कि उसको मेरिट देना, अफर्मेटिव एक्शन होता है कि उसको समृद्ध बनाना। ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है। ये हम विद्वानों की दुष्टता है कि हमने उसे कैमाफ्लॉज करके अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हम लोग अच्छे शब्दों को ईजाद करने की हमने मास्टरी रखी हुई है ना। अब आप आगे बढ़ते हैं, हमारा संविधान क्या है। हमारा संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है, 20% हिस्सा जो है डॉक्टर आंबेडकर की तरफ से आता है, जिसके दो मुख्य चीजें हैं। वैसे थोड़ी बहुत और भी चीजें हैं लेकिन दो मुख्य चीजें हैं, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने तनक भी उनको लज्जा नहीं आई कि उन्होंने इन दो बेसिक प्रावधानों का लेफ्ट राइट एंड सेंटर उल्लंघन किया। लेफ्ट राइट एंड सेंटर, संविधान के दिशा निर्देश को नहीं माना, आर्टिकल 44 जिसकी अभी दुहाई दी जा रही है, ये आर्टिकल संविधान के लागू होते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था कि नहीं हो गया था। फिर 1952 में कम्युनिटी स्पेसिफिक एक्ट कैसे आए, क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? आपको संविधान के दिशा निर्देश का पालन करने में देर लग सकती है लेकिन उसका उल्लंघन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपका आर्टिकल 47 क्या कहता है कि इस देश में ना तो जो है नशीली चीजें, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह ना तो निर्माण की जा सकती है ना बेची जा सकती है। क्या दुष्टता है कि गली गली कूचे कूचे में जो है ना शराब की दुकानें खुल गई हैं, महिलाओं को जो है ना वो करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, पुलिस उन पर डंडे चलाती है। हम कितने बेहया हैं, हमने इस संविधान का पालन नहीं किया। फिर आप बताइए आपके नियम कानून कौन से हैं,
आपके वही नियम कानून है जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी आज हमारे ऊपर थोप के रखा। देखिए गुप्ता जी बात